पेंट होने से पहले कुछ ऐसा दिखता था, ये फ्लाई व्हील है जो चकले का बना हुआ है, चकला वो जो रोटी बेलने का होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, ठीक है, तो उसका बना हुआ है ये। तो उसके अंदर आप क्या करना है कि पीछे के जो पैर होते हैं उसकी तो बना ले पुली, बीच में होल कर ले और ड्रिल पे चढ़ा के इसको बीच में रेगमाल रख के और इस तरीके की पुली बना ले। चाहे तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि वुड की लो। तो फ्लाई व्हील के लिए आप समझ लें कि चकला जो होता है रोलिंग बोर्ड, उसके अंदर बीच में सेंटर में होल करके 9 इंच का चकला ले लें आप, और उसके अंदर कोई बोल्ट डाल लें जो आपके बैरिंग के अंदर सही आता हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया, लेकिन घर का चकला इस्तेमाल मत कर लेना रोलिंग बोर्ड, क्योंकि वरना आपका चकला तोड़ देंगे आपकी मम्मी जी, ठीक है। तो मैंने भी बाहर गए लिया है, इसलिए आप भी बाहर गए लिए, ठीक। तो अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। ये हमारा स्टैंड, इसके ऊपर फ्लाई व्हील अटैच होगा। दो स्टैंड बनाए मैंने, एक पे सिलेंडर और एक पे फ्लाई व्हील, ये वुड के बनाए मैंने, और बैरिंग बीच में अटैच कर दिया इसके, ठीक है। और बोल्ट डाल रखे हैं आप देख सकते हो, इससे हम इसको इसके फाउंडेशन पे अटैच कर देंगे, बेस के ऊपर, ठीक है, इस फाउंडेशन को। तो ये दो बेस है, दो फाउंडेशन है, प्लस फ्लाई व्हील है, एक पुली है, और ये कनेक्टेड रॉड है, ये सिलाई मशीन का एक पार्ट है, तो ये आपको सिलाई मशीन वाले के यहाँ से मिल जाएगी, तो आप ये ले लें। और इसके आगे मैंने एक बुश वेल्ड करा दिया है, ताकि हमारा पिस्टन है इसके अंदर ये इजीली अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये पिस्टन के अंदर जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी सिलाई मशीन वाले के से मिलेगा आपको, इसको देख लें। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे हम, इस तरीके से तैयार हो जाएगा। पिस्टन के बारे में और इस सिलेंडर के बारे में टोटल नॉलेज लेने के लिए आप जा सकते हो मेरे एक वीडियो पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देखोगे टोटल समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जिप्सी का व्हील सिलेंडर है, ठीक है। तो इस व्हील सिलेंडर के अंदर मैंने क्या किया है कि स्प्लेंडर की जो गाइड होती है उसको मैंने यहाँ लगा दिया है, और गाइड को लगाने के बाद ऊपर से होल किया, तो वो होल डायरेक्ट हमारा अंदर की तरफ चला गया, सामने की तरफ, ठीक है। तो ये वो गाइड है स्प्लेंडर की, वॉल गाइड। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ कट मार रखा है, और यहाँ पे हमने एक कट और मार रखा है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर जब ये वाला कट इस होल के सामने आएगा तो एयर अंदर चली जाएगी और पिस्टन को धकेल देगी, और जब ये पीछे की तरफ आएगा तो ये वाला जो कट लगा हुआ है इसमें, ये वाला कट, यहाँ से हवा, पिस्टन जब ऊपर की तरफ आएगा तो हवा आगे से होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी गाइड के ऊपर, ये भी वुड का ही है, आगे से वुड का और पीछे से वुड का, बीच में मैंने जो बाइक का स्पोक का वायर होता है वो मैंने यूज़ कर रखा है इसके अंदर, एल टाइप में मोड़ के और फिर यहाँ से मोड़ दिया, और इस तरीके की शेप मैंने ले ली। ये समझ जाओगे आप क्यों लिए मैंने ऐसी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम खेलेंगे अपने सभी पार्ट्स के साथ होली, मतलब इनको सबको कलर कर लेंगे हम, और कलर करने के बाद इस सबको हम अटैच करेंगे, तो इससे ऐसा लगेगा जैसे कंपनी मेड है, मतलब किसी कंपनी से हमने खरीदा हो, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको कलर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ गाइज, वो ये कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो फेक नहीं है, मैं बना चुका हूँ पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, स्टार्लिंग इंजन, पल्स जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन, और बहुत सारे तरीके के इंजन छोटे और बड़े मॉडल्स बना चुका हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो एक बार विजिट करिए चैनल को और जाके देखिए, वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको ये भी मालूम होगा कि जो मैं पार्ट यूज़ करता हूँ वो ऑनलाइन यूज़ नहीं करता कोई भी पार्ट मंगा के, तो सभी पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं इधर आधर मशीनों से ही इकट्ठे करके पार्ट्स से मैं इंजन बना देता हूँ। यहाँ तक कि मैंने पेट्रोल इंजन भी इधर आधर से ही इकट्ठे करके पार्ट्स किसी पुरानी मशीन के यूज़ कर करके और बनाया है। तो इस तरीके का चैनल आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑलराइट गाइस, तो कलर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा है। अब हम इसको अटैच करेंगे, शुरुआत करेंगे हम फाउंडेशन से। ये फाउंडेशन हम इस बेस के ऊपर अटैच करेंगे, तो सामान हटा देते हैं इसके ऊपर से और बोल्ट्स खोल के इसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे। तो मैं आपको इसके बारे में ही बताते रहता हूँ। आप देख सकते हो उसमें एक बैरिंग लगा हुआ है, ये बैरिंग मैंने लिया था मोटर बाइंडिंग वालों से। तो जिस साइज़ का बैरिंग आपको मिल जाए उसी साइज़ का आपको बोल्ट लेना है, उसी साइज़ का फ्लाई व्हील में होल करना है ड्रिल से, और उसके बाद ये इजीली अटैच हो जाएगा। नीचे से बोल्ट डाल दें, नट को टाइट कर दें, और ये हमारा जो फाउंडेशन है मजबूती से फिक्स हो जाएगा। फिर हमें इसके ऊपर फ्लाई व्हील लगाना है तो वो काफ़ी मजबूती के साथ अटैच हो जाएगा। सो गाइस, बोल्ट्स को अच्छे तरीके से टाइट कर लें, सेटिंग कर लें इसकी, बिल्कुल सीधा देख लें, उसके बाद फ्लाई व्हील अटैच करेंगे इसके ऊपर। फ्लाई व्हील मैंने बनाया रोलिंग बोर्ड का, जिसको हम चकला ही बोलते हैं। मैंने कमेंट करके बताया आपके यहाँ क्या बोलते हैं रोलिंग बोर्ड को, जिस पर रोटियाँ बेलते हैं ना मम्मी हमारी, वो उसका मैंने बना दिया फ्लाई व्हील। उसके सेंटर में मैंने ड्रिल से सुराख किया और एक बोल्ट जो मेरे बैरिंग में सही आ रहा था वो मैंने इसमें लगा दिया। इसको अच्छे से फिट कर लें, सेटिंग देख लें, बिल्कुल सीधा घूमता हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको अटैच कर लेंगे, हमारा अगला जो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम सिलेंडर लगाना है उसको भी हमें इसको लगा लेना है यहाँ पे। तो दोनों फाउंडेशन का साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि जब इसकी लाइन बने आपका सिलेंडर की और फ्लाई व्हील के सेंटर की, तो बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए।
सो गाइज अब हम इसके अंदर लगाएंगे इसका सिलेंडर जिसके अंदर चलेगा पिस्टन। ये मैंने बनाया था जिप्सी के व्हील सिलेंडर से। आप चाहो तो मारुति कार का भी व्हील सिलेंडर ले सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसके मॉडिफिकेशन के बारे में टोटल नॉलेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको जाके देख लेना, या ऊपर आई बटन में मैं दोबारा शो कर रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगी और वर्किंग प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइज इसको टाइट करने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे इसका पिस्टन। तो ये पिस्टन है हमारा जिसको मैंने बनवाया था लेथ मशीन के ऊपर, खैरात के ऊपर, लेकिन ये इसी व्हील सिलेंडर के अंदर आपको दो पिस्टन मिलेंगे जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो आप उस वीडियो में देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि किस तरीके से वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो पिस्टन आपको इसी सिलेंडर में से मिल जाएंगे दो, ठीक है। तो आप एक का यूज़ कर सकते हो, एक को रख सकते हो। तो अब इस कनेक्टर रॉड को हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके लिए मैंने एक बोर्ड ले रखा है और बोर्ड को मैं इसके अंदर अटैच करके बीच में एक बुश डाल रहा हूँ ताकि फ्लाई व्हील से और कनेक्टर रॉड के बीच से कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक। तो इसको टाइट कर देंगे प्लायर की मदद से, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी सी चाल छोड़ देंगे ताकि कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा हो इसके अंदर। ये बहुत ही स्मूथ वर्क करता होना चाहिए, जितना स्मूथ ये चलेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इंजन देगा। तो अब हम लगाते हैं इसका गाइड सिस्टम। तो ये वाल्व है डिस्कवर बाइक का जिसको मैंने मॉडिफाई किया है, और गाइड इसकी सिलेंडर में हमने वेल्ड करा रखी है पहले से ही। अब इसके अंदर इसकी कनेक्टर रॉड लगाते हैं। ये फ्लाई व्हील है इसका दूसरा साइड वाला, इसको इसके ऊपर पहले हम ऐसे ही अटैच कर देते हैं और एक स्क्रू आगे डाल के और वाल्व में अटैच कर देंगे, ठीक है। और दूसरा साइड जो है इसका, इसको हम यहाँ अटैच कर देंगे एक स्क्रू की सहायता से। और इसके अंदर हमें इसको बिल्कुल लूज भी रखना है और बिल्कुल टाइट भी नहीं रखना है, माइनर सी चाल होनी चाहिए, बहुत माइनर सी। और मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस, इसका जो साइज है सेंटर से सिर्फ आधा सेंटीमीटर आगे आपको होल करना है जहाँ ये स्क्रू लग रहा है, और जो क्रैंक वाला साइड है वहाँ पे हमने लगाया है इसको सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार जब क्रैंक राउंड लेगा तो 4 सेंटीमीटर उसका राउंड हो जाएगा और इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये राउंड बहुत अच्छे से ले रहा है। और इसका मैं आपको मैकेनिज्म टाइमिंग समझा दूँ, ये टॉप पे हमारा पिस्टन है, टॉप से हमें थोड़ा ऊपर उठा लेना है 20 डिग्री के आसपास, और इसको आप यहीं कहीं पकड़ के और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप आगे की तरफ टॉप पे ले आए। तो इससे होगा क्या, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाल का जो अंदर का सुराग है, ये सेंटर में आ गया है, तो हवा जो होगी अंदर जाएगी और इसको धकेल देगी पीछे की तरफ, ठीक। टाइमिंग सेट करने के बाद हमारी जो ये पुली है इसको मैरालाइट की मदद से चिपका देंगे बहुत मजबूती के साथ, और इसको चिपकाने के बाद हमारा इंजन रेडी है। ऑलराइट गाइस, तो हमेशा की तरह आ गए हम अपने किचन में। ये स्टीम का पाइप है जो प्रेशर कुकर से जुड़ा हुआ है, इससे आएगी स्टीम और इससे ही चलेगा इंजन, ठीक है। चल दिया जी, बहुत ही कम एनर्जी यार, मतलब मैं खुद शॉक हूँ यार इसकी एनर्जी को देख के इतनी कम पावर से। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तक हीट भी नहीं हुआ है। आप पिछले वीडियो देखोगे, आप देखोगे यहाँ पानी आना शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है, उसके बाद काफ़ी देर में चलता है, लेकिन बिल्कुल हवा हवा से ही अपना काम शुरू कर दिया इसने। तो अब मैं चुप हो जाता हूँ, अपनी चोंच कर लेता हूँ बंद। आप इसकी आराम से परफॉर्मेंस देखो कि किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं ताकि प्रेशर और ज़्यादा हो जाए। हम यहाँ कर देते हैं इसको ताकि स्टीम इकट्ठी हो जाए काफ़ी सारी। तो अब देखो, अब आना शुरू हुआ है स्टीम वहाँ से। तो ये स्टीम यहाँ आता है इसके अंदर तो वापस से ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये ठंडा होता है ना तो पानी में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे अब प्रेशर आना शुरू हुआ है। अब आप देख सकते हो अब हाँ पाई है। पहले तो बस हल्का सा हवा ही थी जिससे चल रहा था। गाइज मैंने हल्का किया है इसको क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, गैस को हल्का कर दिया मैंने। किसी तरीके का कोई मोटर नहीं लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं मोटर लगा हुआ है, ये है वो है,